कंपेयर टू टर्म 5। तो आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं ड्रॉ के बारे में। ड्रॉ बेसिकली अभी तक हम सारी मेनू की टाइप करते आ रहे हैं, ड्रॉ भी बेसिकली मेनू की टाइप ही है। तो ड्रॉ आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे भी फर्स्ट ऐप लिखा हुआ है। यहाँ पे बेसिकली थ्री टाइप्स आ रही होती है, जब प्रेस करते हैं तो लेफ्ट साइड से या राइट साइड से इसके लिए दोनों तरफ से ड्रॉ ओपन हो सकता है। तो जिस साइड का आइकन लगा होता है जब हम क्लिक करते हैं तो वो उस साइड से ड्रॉ एक ओपन हो जाता है, जिसके अंदर मेन्यू आइटम्स होते हैं कुछ, जिनमें से हम कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पेज पे नेविगेट कर पा देते हैं या फिर एक्सिट कर पा देते हैं। तो बेसिकली उसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, मेन्यू में आना है। जो काम हमने बॉडी नेविगेशन के लिए किया है वैसे ही क्या करेंगे, मेन्यू में आएंगे, यहाँ पे मेन्यू को क्रिएट करेंगे। एक सिंपल सा मेन्यू बना लिया जिसमें ये कैरेट इनके बाद में प्रोफाइल हेल्प लोगो के इसके ऑप्शन हमें शो होंगे ड्रॉ के अंदर। तो नेक्स्ट काम ये है कि जिस भी एक्टिविटी के अंदर आपने ड्रॉ लगाना है उस एक्टिविटी के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपने सबसे पहले तो उस लेआउट को, मेन लेआउट को चेंज करना है ड्रॉ लेआउट के अंदर। ड्रॉ लेआउट में चेंज करेंगे तो उसके बाद फ्रेम लेआउट को ऐसे ही रहने देना, क्योंकि जब हम किसी भी मेन्यू आइटम पे क्लिक करेंगे तो हमें क्या करना है, फ्रैगमेंट बेसिकली इस एरिया में शो करवाने हैं, तो इसको आपने ऐसे ही रहने देना है। और यहाँ पे अब बॉटम नेविगेशन फैसिलिटी बता देता हूँ, इसकी जगह क्या आएगा, नेविगेशन व्यू आएगा बेसिकली यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, तो हाई पे देंगे और साथ में इसे क्या करना है, हमें ऐड कर देना है मेन्यू तो इसके लिए भी क्रिएट करके आए हैं। हाइट इसकी बेसिकली होगी मैच पे, और ग्रेप की हम इसके रखेंगे स्टार्ट। लेआउट ग्रेप की होगी बेसिकली है, इससे क्या होगा कि मैंने हमारा ऐड हो जाएगा मेन एक्टिविटी के अंदर। तो हाँ सारा कोड मैं यहाँ से फॉर करता हूँ, आईडी देना भूल गया, छोटी सी आईडी दे देता हूँ। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो जो जिस जगह हमने आइकन शो करवाना है इसको बेसिकली होम बटन कहते हैं। तो ऐप बार के ऊपर, एक्शन बार के ऊपर हमने बेसिकली सबसे पहले उसको इनेबल करवाना है, एक्शन
करूंगा। रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं आइकन आ गया। तो बाय डिफॉल्ट ये होम बटन जो होता है यहाँ पे बैक का आइकन भी होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ तो ड्रॉअर स्लाइड से आता हुआ नजर मुझे आ रहा है, जो मैंने मैंने इसमें दिया था वो सारा ये शो हो रहा है। तो अभी नेक्स्ट इसमें काफ़ी काम बाकी है, जैसा कि इस आइकन को हमें चेंज करना है। दूसरा ये कि इसको क्लिक हो तो ये आना चाहिए, हमें नज़र आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये है कि इनके क्लिक के बाद हम इसको कैसे हैंडल करेंगे नेविगेशन, तो चल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या देखिएगा, अल्लाह हाफिज़।